प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार सत्ता में वापसी के बाद से ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। मसलन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही श्रमिक सम्मान योजना के तहत मजदूरों को 3,000 रुपए प्रति महीना पेंशन के बिल को हरी झंडी भी दे दी गई है। हाल ही में एक और बड़ा फैसला लिया गया है, इसका फायदा 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलने की उम्मीद है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है वो फैसला। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने हाल ही में कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2019 को मंजूरी दी है। इस बिल में कंपनियों पर कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बिल के मुताबिक कामगारों की न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन के हिसाब से 178 रुपए तय की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि देश के किसी भी राज्य में मजदूरों को 178 रुपए से कम दिहाड़ी नहीं दी जा सकती है। हालांकि सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई राज्य इससे ज्यादा दिहाड़ी देता है तो उसका स्वागत है। इस बिल में ये भी प्रावधान है कि तय उम्र के बाद कंपनियां अपने कर्मचारियों का मुफ्त हेल्थ चेकअप करवाएंगी। वहीं कंपनी में बच्चों के लिए क्रैच कैंटीन जैसी सुविधा भी जरूरी होंगी। इसके साथ ही दफ्तर में महिलाओं के लिए वर्किंग आवर 6 बजे सुबह से 7 बजे शाम के बीच ही रहेंगे। यानी अब नौकरी करने वाली महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम करने या नहीं करने के फैसले खुद ले सकेंगी, क्योंकि इस बिल में स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि 7 बजे शाम के बाद अगर वर्किंग आवर तय किया जाता है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। वहीं इस बिल के दायरे में वो सभी कंपनियां आएंगी जिसमें 10 या उससे ज्यादा स्टाफ काम करते हैं। यानी कि इस बिल के पास होने के साथ 13 श्रम कानूनों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यानी सिर्फ एक ही कानून रह जाएगा। तो आपको कैसा लगा मोदी का यह नया फैसला? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।